नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछु आथुरी प्रथमे हेडलाइंस अक्टोबर आसे परे कोरोनार तृतीय लहर प्रभावित होई परंती छोट पिला पिक समय रे 123 जण को जीवाकु पड़ी पारे हॉस्पिटल सेपटे 24 घंटा रे 761 पॉजिटिव 68 मृत्यु विस्फोरक बयान दे पुणी थरे चर्चा रे कांग्रेस रो हेवीवेट विधायक तारा प्रसाद बाहिनी प्रति सारा राज्य रे कांग्रेस विभाजन स्थिति रे दलीय नेतांक मध्यरे फाटो सृष्टि करबा कामरे लागिछते पीसीसी सभापति राज्य रे कांग्रेस रो एही दशा पई दाई निरंजन पटनायक गुरुडी छात्या समुपाय महास्काम रे गिरफ्तारी ऋण चालियाती अभिजोग रे 6 जण को बांधिला पुलिस सेबे बड़ प्रश्न केबे गिरफ हेबे बड़ नेता व मंत्री अर्गस रे खबर प्रसारण परे न्याय पई आंदोलन को लहाइले अन्नदाता शिशुर शबक नेबाकु मिलानी गाड़ी विलंबित राति जाए असहाय बापा मा गजा मासिकार आसला अभावन्य चित्र मना कला महाप्राण गाड़ी मागिले 10,000 टंका तालिबान मिशन पंजशीर घाटी दखल अभिमुखे 100 रु अधिक तालिबानी सेपटे 300 तालिबानी को हत्या करितिबा पंजशीर दाबी लढ़ई पाई प्रस्तुत अछंते 10,000 सेना आज सर्वसाधारण खोलला श्रीमंदिर द्वार कोविड कटकणा और गाइडलाइन अनुसार श्रद्धालु करुछंते दर्शन सेपटे लिंगराज मंदिर को छाड़ी राजधानी में खोलला सबु धर्मानुष्ठान एवं आज संपन्न हो उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शेषकृत्य बुलंदशहर नारुणा गंगा कूल में श्मशान घाट को निया पार्थिव शरीर शोभायात्रा में सामिल हेबे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ बीजेपी नेता आसिया संपूर्ण खबर को सेप्टेम्बर में आसीपे तृतीय लहर अक्टोबर पिक नहीं पारे कोरोना संक्रमण पिक पीरियड में शिशु मानकर होइपारे हॉस्पिटलाइजेशन 123 जन को जीवाक पड़पे हॉस्पिटल एने सूचना देखते स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र वर्तमान राज्य में शिशु हॉस्पिटलाइजेशन संख्या अधिक नहीं 12-13% रही शिशु संक्रमण हार द्वितीय लहर 64 दिन में पिक नहीं जदि तृतीय लहर आसुची तहार पिक पीरियड पर आमको अपेक्षा करने को पड़ मात्र आम एवं द्वितीय लहर में अच्छे शिशुं आम सब व्यवस्था करबू कोविड हस्पिटाल शिशु मान स्वतंत्र प्रावधान करू शिशु भवन में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस शिशु मानक सीवियरिटी बेसी ना मात्र आम यह कोहल भाव नेबाना तेणु स्क्रीनिंग को चालू रखा शिशुं दैनिक संक्रमण हार को आनालीसीस गत तीन दिन भितर कहीं वेंटिलेटर को जाई से बहु कम शिशु को ऑक्सीजन रो आवश्यकता पीक पीरियड रे हॉस्पिटलाइजेशन रेट 23 रहिबे किंतु वर्तमान आमर हॉस्पिटलाइजेशन रेट अधिका नहीं आउ आपण देखुथिबे से जो जोटा करा जाइथला आगु 15% भितर पिला मानकर पॉजिटिविटी भितर रहिबे वर्तमान से 11-12-13% नेशन वाइड रहुछ तेणु आम तो आगु जानिचे जे ए लहरटी आसीबार संभावना सेप्टेम्बर अक्टोबर जो सेप्टेम्बर आसुच्छी निश्चय आम जानते गोटे मस पर पिक निए जो जगार आरंभ होला इनिशियल होला तार 30 दिन रू नहीं 60 दिन भितर 64 दिन भितर गला थर देखते आम 64 दिन में पिक होता तेणु आमको अपेक्षा करवाक पड़े नीति आयोग कोरोना तृतीय लहर नहीं सतर्क कराइले डीमेटी सिविक के महांते तृतीय लहर आसिले पिलामानक पई विपद थिबा से सतर्क कराइछन्ते सेप्टेम्बर किंबा अक्टोबर तृतीय लहर आसीबार संभावना रही समय देश में दैनिक संक्रमण 4,00,000 छुई पारे एभली स्थिति हेले ओडिशा रे दैनिक संक्रमण 14,000 पार करिवो बोली आशंका रही तेणु पूर्व आमको सतर्क रहिबाकु पड़िवो बोली परामर्श देइछन्ते डीएमटी तृतीय लहर पई अधिक प्रस्तुत थिबा सह छुआ मानक पई समस्त व्यवस्था करा जाइथिबा से कहिछन्ते आमर नेक्स्ट लहरी रे आमे तो आशा करवा बेसी परिमाण में पिला माने आब्सोल्युट नंबर रे अधिका हेबे काहेकि ना
एडल्ट माने ग्रेजुअली इम्यूनाइज हो जाते बिकज ऑफ वैक्सीनेशन और प्रीवियस इन्फेक्शन तेणु शिशु मानकर परसेंटेजटा निश्चित भाव अधिका हम जदि भी तृतीय लहरी आसे आपण मैंने जानते गत काली जहाँ भी नीति आयोग कही सेप्टेम्बर अक्टोबर मसरे प्राय 4 लाख पाखापाखि दैनिक पहुँचव से कौ सूत्र आधार कही तो कहीपरिनी जेहेतु से एक्सपर्ट कमिटी कही तेणु बर्तमान आमको प्रस्तुत रहा पड़ो आज्ञा देखु ओडार लोकसंख्या भारत लोकसंख्यार के 3.6% जदि 4 लाख ओडार आम एक्सपेक्ट करवा पिक बेले अराउंड 14,400 आसवे तेणु से अनुसार सी भी जहाँ कहते आप देखते आईसीयू बेड के दरकार पड़ो भेन्टिलेटर 2.2% तामने दैनिक प्राय 70 दरकार है गोटे पेसेंट 10 दिन रहे तो 700 दरकार तेनासार देखते सरकार आगर ताटू बहुत अधिक परिमाण में प्रस्तुत अच्छा राज्य में कमी कोरोना आक्रांतों संख्या हेले मृत्यु लगुनी ब्रेक 24 घंटे 761 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होते से 68 जन प्राण हर यहाँ मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 7,426 को वृद्धि पाई मृतकों मध्य कटकु 17 और जगतसिंहपुर जिलूर 15 जन आक्रांत अच्छा राज्य में एवं भी 8,917 आक्टिव केस रही सेपटे कोरोना को हराई सुस्थ हेले 9,85,302 जन आक्रांत कांग्रेस रे विस्फोरण विस्फोरक बयान दे पुणी थरे चर्चा को आसी कांग्रेस रो हेवीवेट विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति कहते सारा राज्य में कांग्रेस विभाजन स्थित रे सबु जिले में विभेद सृष्टि करसी सभापति निरंजन पटनायक दलय नेता फाट सृष्टि करने काम लगे निरंजन आरंजन आज कांग्रेस यही दशा भोगुची जदि हाइकमाण्ड एवं दृष्टि न देते पंचायत निर्वाचन में स्थित आहरी बिगिड़ राज्यर कांग्रेस दशापी निरंजन दायी कहते तारा जे भल हम दलपाई से कौन कले एत दिन भितर से कौन कले बर सबू जिले में गंडगोल करदे सबू जिले में गंडगोल कराइले विभिन्न जिला अशांति सृष्टि करदे विभिन्न जिला अशांति बर्तमान सब पीसी सुरक गोटे अफिस् बेरे आपणकर जिला अफिस् बेरे आपणकर ब्लक अफिस् बेरे हो पार ना विभिन्न जगार ये संडपुर नवीन बाबू पाई विजु जनता दल विधायक माने जितंतु मोदी पाई बीजेपी रो विधायक माने जितंती कांग्रेस जो 9 जन आम विधायक जीतीचु से निरंजन बाबू को पाई जितिनु एटा सत्य पर मुहूर्त जिते बड़े दिन को कांग्रेस रेट कमी जा 5,000 बाई इलेक्शन 5,000-7,000 भोट पाँच प्रथम प्रथम 5,000 द्वितीय 5,000 गोटे 25,000 पाठ निरंजन बाबू निजे छाड़देव कथा उपरे रिजाइन देती बोली कहते भितर से लगे रही राज्य में मुख्य शासन सचिवों मरुड़ी समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया बैठक में जोड़ी होती समस्त जिलार जिलापाल 27 जिले में मरुड़ी परिस्थितर मुकाबला नहीं प्रस्तुत होब रणनीति जिले में केते वर्षा होछि खरीफ चाष स्थिति किपरि अछि ए संपर्क में जिलापा पचारि बुझुछन्ति मुख्य शासन सचिव एथिसह आग को कौन पदक्षेप निया आलोचना करा निर्देश जारी करा बैठक में उन्नयन कमिशनर एसआरसी जलसंपद शक्ति अर्थ पंचायत राज्य विभाग प्रमुख सचिव उपस्थित अच्छा कृषि मत्स्य और पशु संपद विकास विभाग शासन सचिव ओडिशा कृषि और वैषयिक विद्यालय कुलपति भारतीय पाणिपाग विभाग आंचलिक निर्देशक प्रमुख उपस्थित अच्छा नियंत्रित वर्षा जो खोर्धा जिले में सृष्टि मरुड़ी परिस्थिति बोलगढ़ ब्लॉक रे पानी अभाव जमी सुखिला पड़ता बेले धान रुआ काम हो पार ना फल ब्लॉक रे 19,000 चाषी एवं चिंतार
जून मासरे 13 किलोमीटर 13 मिलीमीटर कम वर्षा होता बेले जुलाई में हाराहारी वर्षार परिमाण ठीक रही थिला। किंतु अगस्त मासरे वर्षा उफान हेबारु चाष कार्य बाधाप्राप्त होइछि। आगामी सात दिन मध्य वर्षा नहले मरुड़ी हेबार संभावना रही। कृषि अधिकारी माने तुरंत घटनास्थल को जाई स्थिति अनुध्यान करी रिपोर्ट देबाकु चासी माने दाबी करिछन्ति। वर्तमान आसंतु नजर पकाइबा बीजेपी रा सांबादिक सम्मेलन उपरे। भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चा रो साधारण संपादक माननीय कामाख्या प्रसाद प्रधान महोदय मु अनुरोध करी माननीय सभापति महोदय को तंकर वार्ता रखा पाए। समस्त को धन्यवाद। ओडिशा वर्तमान मरुड़ी मुहा वास्तव स्थिति को जदि आम राज्यर आकलन करवा स्वल्प वृष्टिपात जो राज्य एक भयंकर स्थिति उत्पन्न चाषी कूल मुंडरे हाथ दे बसी वर्तमान विशेष करी प्रत्येक दिन गणमाध्यम वैद्युतिक गणमाध्यम तथा खबर कागज मानक ए विषय लगातार किछि दिन हलाणी प्रकाश पाउछि जो थरे पांचोटी जिला विशेष करी भद्रक जाजपुर केउझर अनुगुल बौद्ध उत्कट स्थिति उत्पन्न होइछि एवं आउ 20टी जिले रे ए स्वल्प वृष्टि जनित व्यापक अंचल मरुड़ी स्थिति अछि। ए सब खबर चाषी मानकर ये जो मरुड़ी स्थिति मुख्यमंत्री पाखे ये खबर अच्छी तो आज कौन सी जगार एक खबर कागज देख ली जो मुख्य शासन सचिव ए विषय रिव्यू मीटिंग ने ए जो भयंकर स्थिति उत्पन्न एको राज्य रे एको स्थिर सरकार अच्छी केवल प्रचार सर्वस्व इरिगेशन से जलसेचन प्रोजेक्ट कथा हो मेगा लिफ्ट इरिगेशन कथा हो केवल प्रचार तर कार्यकारिता नहीं। जदि आम देखा निजे विधानसभा जलसेचन मंत्री उत्तर रखुचंती गत विधानसभा सेसन रे 314 ब्लक रु 251 ब्लक 35% जलसेचन होइछ। आपण देखिबे जेतेबेले 2018 मसीह रे कनकवर्धन सिंहदेवंकर एक प्रश्नर उत्तर रे आमर बृहत जलसेचन प्रकल्प मध्यम जलसेचन प्रकल्प बृहत जलसेचन प्रकल्प आठटी से इनकम्प्लीट हो आठटी रु आठटी जाक इनकम्प्लीट रही मध्यम जलसेचन प्रकल्प नौटी से नौ असंपूर्ण रही भाव में जो क्षुद्र जलसेचन प्रकल्प से विभिन्न कारण एसबू प्रकल्प असंपूर्ण रही मेगा लिफ्ट पॉइंट तार उत्तर मध्य विभागीय मंत्री रखिंट समुदाय 154 प्रकल्प स्थापन करने 2018 मंत्री विधानसभा उत्तर दे 4 वर्ष पर मात्र 32 प्रकल्प कार्य शेष हो 122 असंपूर्ण अच्छी से देखिए जो बहु प्रचारित प्रसारित पार्वतीगिरी मेगा लिफ्ट पॉइंट से मध्य काम करूना अचल रोचे अनेक जगार जो केनाल रो टेल एंड को पानी जाऊना जो केनाल भी अच्छे 10 लाख हेक्टर को जलसेचन करने 2014 मसीहा निर्वाचन इस्तेहार
विजु जनता दल 2019 निर्वाचन में मध्य आउ 10 लाख हेक्टर जमी को पानी दबा पई घोषणा करथिले। तार जदि आमे हिसाब देखिबा सेथिरे मंत्री उत्तर जो भली भाव अछि सेथिरे 69455 हेक्टर को पानी दबार योजना होती उत्तर रखिंट विधानसभा मात्र से 18350 हेक्टर को जलसेचन होती वर्तमान 41105 हेक्टर निम्ते प्रकल्प कार्य चलुच ये इनकम्प्लीट अच्छे आर अर्थ 10 लाख हेक्टर जमी को पानी जबार जो घोषणा होता से मात्र 18350 हेक्टर जमी को देखिए एक मंत्री महोदय विधानसभा उत्तर माध्यम को आम कर जो भली भाव पूर्व अनुमान आईएमडी आकलन कर राज्य सरकार को टेक्नोलॉजी माध्यम बारंबार जनाऊँ मुख्यमंत्री ए विषय खबर कहीं रखुना चाषी प्रति ये संवेदनहीनता कहीं से दृष्टि आमर राज्य सरकार को जी विलंब कर रिव्यू करने ये अक्षमणीय चाषी कूल प्रति ये संवेदनहीनता संपूर्ण रूपे प्रकाश पाई तुरंत तुरंत ए दृष्टि एक टास्क फोर्स गठन करंतु जिलावारी जो जगार युद्धकालीन भित्तिरे जो जमी को पानी जापर पाखरे थिबा जलाशय मानकरु पंप माध्यम रे पानी चासिंग को जोगे दियंतु बिल को एवं सेथिपई एक ब्लूप्रिंट शीघ्र प्रकाश करंतु टास्क फोर्स को कार्य रे लगे विभागीय सचिव मानंकु से अंचल को प्रेरण करंतु सेठी रही युद्धकालीन भितरे आर समाधान करंतु आमे भारतीय जनता पार्टी तरफ आमर पूर्वतन सभापति तथा सांसद बसंत पंडा एक चारिजणिया कमिटी आमे करिछु तार नेतृत्व नौचंती गोटे कमिटीर बसंत पंडा आउ गोटे कमिटी रे मनमोहन सामल एवं आउ गोटे कमिटी मोहन माझी आमर विधायक विधानसभा मुख्य सचेतक पूर्वतन विधायक तथा कृषक मोर्चार सभापति प्रदीप पुरोहित नेतृत्व में चारिजण नेता मानक माध्यम मरुड़ी अंचल को एक कमिटी गस्त करी यथाशीघ्र राज्य कमिटी को एक रिपोर्ट प्रदान करे आम आमर कार्यक्रम स्थिर करिछु तापरे ए रिपोर्ट आसला परे कोभली भाव रे चासी कुल को साहाज्य करिहब से विषय रे आमे राजनीतिक खसड़ा प्रस्तुत करू। बंधुगण एक अभावनीय परिस्थिति सृष्टि हेछि राज्य रे एक स्थायी सरकार दीर्घ दिन धरी रहिछि ता सत्वे केवल प्रचार करा जाउछि चाषी कूल वर्तमान मुंडरे हाथ दे बिल मुंडरे बसी ये अत्यंत दुख एवं परितापर विषय ए दृष्टि आपण मान माध्यम आमे सरकार को सचेतन कराऊ तुरंत टास्क फोर्स माध्यम एक समाधान करूँ ये संपूर्ण जो 25 जिला अच्छी विशेषकर मुझे आपण को उत्कट मरुड़ स्थिति 5 जिले में व्यापक मात्रा देखा जहां आमर नेतृवर्ग से अंचल खबर दौंती
तो से अंचल सब गस्त करेंगे आम आपको पूर्ण भाव देवु ये सब जो भाई भाव में आम कृषक मोर्चा मध्यम ये सब विभिन्न प्रकार चित्र उत्तोलन कर जमी उपर आनी तार आपण मानू आम प्रदर्शन करुचु अतिशीघ्र जी अतिशीघ्र ये आज घोषणा परे परे कार्यक्रम प्रस्तुत हो कृषक मोर्चार कर्मकर्ता माने संजोग स्थापन कर अतिशीघ्र आसंता काली निजाज अंचल देखा परिदर्शन कर धन्यवाद। आपने बीजेपी प्रेसमिट पर नजर पकाते जो कि राज्य में मरुड़ी परिस्थिति को नहीं ये प्रेसमिट रही विशेषकर भद्रक जाजपुर केन्दुझर अनुगुल बौद्ध ए सबू जिले में उत्कट परिस्थिति देखादी कि सबू भितर चाष जमी को जल जोगाइबार राज्य सरकार विफल मारी कथा बीजेपी बखाणी आसिया परवर्ती खबर को गुरुड़ी चाटिया समवाय महास्काम गिरफ्तारी ऋण जालियाती घटना रे संपृक्त थिबा छह जनों को गिरफ्त कला गुरुड़ी चाटिया पुलिस गिरफ्त मध्य सोसाइटी रो सेक्रेटरी कैशियर क्लर्क सुपरवाइजर असिस्टेंट सेक्रेटरी और पियन मध्य रही दीर्घ दिन धरी एमानों पर कार्यानुष्ठान दाबी से आंदोलन को ओल्लैते अन्नदाता शह शह चाषी ना कोटी अधिक टंकार ऋण केलेंकारी होता महाप्रयाण योजना फेल नवजात शिशुर मृतदेह नेपाई मिललानी गाड़ी विलंबित राति जाए असहाय अवस्था बापा मा एभली अभावनीय दृश्य देखा मिली आशिका सब डिविजन मेडिकल परिसर में बड़गड़ थाना अंतर्गत कुसुम गाड़िया गाँव मुरली नायक और कल्पना नायकों शिशु को आशिका मेडिकल डॉक्टर मृत घोषणा करते मात्र मृत शिशु को नेपाक मिललानी महाप्रयाण गाड़ी एपरिकी गाड़ी पाई 10,000 टंका दाबी करथिले घरोई गाड़ी मात्र बापा मां निजर असहायता प्रकाश करथिले एहा परे मृत शिशु को धरी सेमाने चली चली जाउतिबा पळे स्थानीय युवकों सहायता रे निकटस्थ नदी पाली रे पोते देथिले घटना को नै साधारण रे उत्तेजना प्रकाश पाइछे विजु छात्र जनता दलर साधारण संपादकों नारे सांघातिक अभियोग ढेकानाल भुवन में जड़े युवक को मरणातक आक्रमण करयोग पावरफुल छात्र विजेडी नेता संजीव पृष्टि विरोध में पुलिस आक्शन ने अभियोग खाली से नुहे संजीव पृष्टि विरोध में हत्या उद्यम दफा भी लगैला ना पुलिस जहाँ कुछ ढेकानाल एसपी निकट में फेरात होती अभियोग छात्र नेता विरोध में सांघातिक अभियोग युवक को ब्लेड मारी रक्ताक्त कले बीजेडी छात्र नेता धारुआ अस्त्र रे आक्रमण कले हेले पुलिस लगैलानी हत्या उद्यमर दफा कारण ये हेउछंती पावरफुल बीजेडी नेता संजीव पृष्टि और प्रकी छात्र जनता दल राज्य साधारण संपादक मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक खास छात्र बीजेडी सभापति देवी त्रिपाठी राइट हैंड अभियोग इशारा चले भुवन थाना एवं आसतु नजर पकाइबा पूरा घटनाक्रम अभियोग अनुसार ढेकानाल भुवन गाँव माताजी पृष्टि निज झी और नातुणी बसी समय पाख पड़ोशी छात उपरूर पा पड़ा एने माताजी पचारिबारु संजीव पृष्टि असभ्य भाषा गालीगुलज करथिले एने माताजी थाना अभियोग भी करथिले परे माताजी को पुतुरा जितेन्द्र को उपरे संजीव पृष्टि और संदीप पृष्टि और तांको मामू आक्रमण करथिले ब्लेड रे अटैक करिबा सह धारुआ अस्त्र रे आघात भी करथिले संदीप पृष्टि हेउचंती भुवन एनसी रो युव बिजेडी सभापति तबे देखंतु मेडिकल रिपोर्ट जितेन्द्र को बेकरे 8 सेंटीमीटर गभीर क्षत भी सृष्टि नजर पकातु भुवन थाना पुलिस एफआईआर उपरे एते बड़ आक्रमण पर भी लगनी हत्या उद्यमर दफा अभियुक्त को गिरफ्त भी करूनी पुलिस
ଏବେ ମାତାଜୀ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପିକୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ପୁତୁରାକୁ ଆଣିକି କାଟିକି ପେଟରେ ଭୁଜାଲି ଭୁଜୁଛନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଏଇଆ ଜଣେଇଲୁ, ଆସିକି ଗୁହାରି କଲୁ, ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ ପିଲା ପରିବାର ଧରିକି। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ପାଖରେ, ବାହାର ଲୋକ ଆଉ କିଏ ଯିବ କି? ମାରିଦେବି ଜୀବନରୁ ଧମକ ଦେଇକି, ଏବେ ବି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବି ମାରିଦେବି। ମୋର ବି ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ତିନି ଚାରି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବୁ, ଯାହାର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼େଇଦେବୁ, ଇଏ କରିଦେବୁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜୁରି ପରେ ଏମିତି ବି ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦଫା ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, 307 ଦଫା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ରକିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 307 ଲଗାଇଲା ନାହିଁ ଭୁବନ ଥାନା ପୋଲିସ? ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ବୋଲି ସବୁ ମାପ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି କ'ଣ ଆଇନ ଠାରୁ ଉପରେ? ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ଦଫା? କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଉନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ? ଜାଣିଶୁଣି କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି? ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।